कहते हैं आध्यात्म की शरण में जन्म मरण का समाधान है। बिना किसी शब्द ज्ञान के आप एक तत्व को जान लेंगे तो आपको सर्व ज्ञान हो सकता है, किंतु इस समाधान को समझना सरल नहीं है। इसके लिए गुरु की जरूरत होती है। श्रमण संस्कृति के अमृत पुरुष व विलक्षण प्रतिभा के धनी युग प्रधान आचार्य सम्राट पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज साहब का समग्र जीवन सत्यम शिवम सुंदरम का जीवंत प्रतीक रहा है। परमात्मा स्वरूप महान सद्गुरु के रूप में आप सदैव जन जन की श्रद्धा के केंद्र हैं। आपका बहुआयामी व्यक्तित्व हिमालय की भांति उत्तंग, गंगा की तरह पवित्र और सागर के समान गंभीर बना हुआ है। अरिहंत परमात्मा महाविजय क्षेत्र में विराजमान, उनके चरण सरोजों में अनंत अनंत आस्था के साथ नमन वंदन प्रार्थना कृतज्ञता के भाव। शासनपति भगवान महावीर जिनकी वाणी हम इस पंचम काल में सुन रहे हैं, ऐसे प्रभु महावीर जो सिद्ध बुद्ध और मुक्त हो गए, जो कुछ उन्होंने जीवन में पाना था वो पा लिया, उनका संकल्प था इसी जन्म में मुझे सिद्ध अवस्था प्राप्त करनी है, तो हम महावीर के संघ में हैं, हम महावीर के तीर्थ में हैं, हमारा भी यही संकल्प है। भगवान कहते हैं इच्छाएं आकाश के समान अनंत अनंत हैं, एक इच्छा पूरी होती है। तुम्हारी इच्छा थी, सुबह सुबह युवक जाते हैं हमारे साथ, कहते हैं महाराज जी आचार्य जी जब एक साइकिल मिलती थी ना वो आनंद, अब मर्सिडीज गाड़ी में भी नहीं आता, वो एक साइकिल बड़ा सुख था, बड़ा चाव था, अब साइकिल दुख का कारण बन गई है और मर्सिडीज सुख का कारण बन गई है। सुख है बोलो, पहले रेडियो एक घर में होता था, सब इकट्ठे बैठ के सुनते थे, अब टीवी आ गई, रंगीन टीवी आ गई, इसके ऊपर कुछ आ गया, अब सब अलग अलग अपने कमरों में बैठे हैं, किसी से कोई का मतलब नहीं, ये सुख है बोलो, बताओ आप ही बताओ ये सुख है। पहले इकट्ठे सुनते थे, रेडियो होता था, साइकिल होती थी, एक ही साइकिल पे सब चले जाते थे और बड़ा सुख लगता था, वो सुख कहाँ चला गया। एज वी आर गोइंग एडवांस एंड एडवांस वी आर गेटिंग पीस एंड सॉरो इन सेल्फ, तो बोलो वो सुख है, वो दुख है, वो है मन की सेटिस्फैक्शन, बुद्धि छाप लगा देती है, जो मन और बुद्धि के द्वारा आपको इंद्रियों का सुख मिलता है वो सुख नहीं है, वो दुख है। तो वो क्या है, भगवान की वाणी कहती तुम पहले जानो और मानो, फिर करना क्या उसके बाद सोचेंगे। कि तुम मान के चलो जो शरीर है, ये इंद्रियां हैं, ये संस्कार हैं, या माता पिता बहन भाई, ये सब मैं नहीं हूं, मैं अलग हूं, मैं आत्मा हूं। बोलो आपने जन्म लिया, कोई साथ आया था, कोई दोस्त जो तुम्हारे साथ रहा हो, चलो इकट्ठे चलते हैं कंपनी से, इकट्ठे रहेंगे, किसी ने साथ दिया, तुमने चाहा भी होगा पर कोई नहीं आया, और जब जन्म लिया अकेले जन्म लिया, और जब दुख आया कोई साथ देता है, ठीक है डॉक्टर के पास ले जाते कोई साथ देता है, जब जाओगे यहाँ कोई साथ जाएगा, जिसको तुम बहुत प्यार करते हो, दी मोस्ट डियरेस्ट लवलीएस्ट प्योरेस्ट, वो साथ नहीं जाता। तो ये निश्चय है कि आत्मा, तुम आत्मा, मैं आत्मा, अकेली थी, अकेली है, अकेली रहोगी, ये भगवान के वचनों को साक्षात्कार अपने जीवन में कीजिए। ये है आत्मदृष्टि कि मैं अकेला आत्मा आया था हूँ रहूँगा और अकेला ही सुख दुख भोगूंगा, मैं अपने उदय कर्म से मुझे जो परिवार मिला जो घर मिला उसमें अपने आप को संतुष्ट मानना, यह आत्मदृष्टि। और यदि इसको नहीं माना मुझे और मिल जाए और मिल जाए, और मिथ्या दृष्टि हमेशा दुखी रहता है, उसको कितना ही सुख मिल जाए वो क्या रहेगा, वो दुखी रहेगा। कहते एंड्रयू कार्नेगी अमेरिका का उस समय का सबसे बड़ा धनपति, जैसे आजकल ये सर अंबानी ग्रुप टाटा बिरला तो
अब और हो गए, और पैदा हो गए, ठीक है। तो उस समय एंड्रयू कार्नेगी सबसे अमीर आदमी था। उसके वकील ने पूछा, तुम्हारी संपत्ति कितनी है? $10 मिलियन, तो 10 अरब, 10 अरब। उसने कहा कि मुझे एक बात बताओ कि आप संतुष्ट हैं, आप खुश हैं? कहते कहाँ खुश हूँ, मेरी प्लानिंग बहुत है, मैं चाहता हूँ 10 की बजाय $100 मिलियन तो मुझे मिलना ही चाहिए ताकि मेरी सारी योजनाएं पूरी हो सके। अब वो $10 मिलियन लेकर के दुखी है और कितना चाहता है? $100 मिलियन, तब उसकी प्लानिंग पूरी हो जाए। उसको कोई सुखी कर सकता है? कर सकता है? नहीं कर सकता। और 4 दिन के बाद उसकी मौत हो जाती है, 4 दिन के बाद उसकी मौत हो जाती है। बोलो क्या मिला उसको? ऐसे ये एक एग्जाम्पल है, आप लोगों के पास जितना भी धन है उसमें संतोष मान के जियो। ऐसा नहीं कि एक फैक्ट्री और लग जाए, एक हिमाचल में लग जाए, एक यहाँ लग जाए, एक कहीं और लग जाए, कितना पाँव पसारोगे, कितना करोगे? खाना तो वही 4 रोटियाँ हैं। और आगे आकर के कोई बीमारी लग जाती, डॉक्टर कहते घी भी नहीं खा सकते, दूध भी नहीं पी सकते, कुछ नहीं कर सकते। हम बॉम्बे में थे, 17 मंजिल के ऊपर वहाँ के अध्यक्ष ठहरे थे, हमने ध्यान शिविर लिया। मुझे कहने लगे, मैं उस समय आचार्य नहीं बना था, कहने लगे महाराज क्या करें, डॉक्टर ने सब कुछ मना कर दिया, जो मलाई ऊपर है तो नौकर खा जाते हैं, जो ऊपर मलाई आती है नौकर खा जाते हैं, हमें तो केवल सपरेटा दूध डॉक्टर ने कहा पीने के लिए। आप बताओ, बॉम्बे जैसे 17 मंजिल की फ्लैट में रहते हैं, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ हैं, और 2 ही हैं, बेटियों की शादी होगी, बीमार हो जाते हैं मियाँ बीबी, कोई पूछने नहीं आता, बेटियाँ आ नहीं पाती क्योंकि उनको आगे से आज्ञा नहीं होती, बेचारे सुखी हैं, किंतु करुणा आती, खा ही नहीं सकते, मलाई तो नौकर खा जाते हैं और दूध रह जाता है, क्या करेंगे? तो ये आपका और मेरा भी हाल होने वाला है यदि हमने अपनी आसक्ति नहीं तोड़ी तो। मैं जीवंत बातें कह रहा हूँ जो हमारे सामने आती हैं। तो कभी अपने धन पर, अपनी शक्ति पर, किस पर अभिमान, किसको अपना मानना? आत्मबल, वो आपका है, वो सदा सदा काल के लिए आपके साथ रहेगा, और ये बाह्य बल छूटेगा, आज है कल नहीं। और नेता लोग, कुर्सी मिलती है उनके कॉलर बड़े चौड़े हो जाते हैं, फिर किसी से बात ही नहीं करते, जब कुर्सी से उतर जाते हैं उनके कॉलर को देखो, उनकी कमीज को देखो, बेचारे मुंह लटकाए हुए फिरते रहते हैं। वो किसका बल है? कुर्सी का बल। कुर्सी सदा किसी के पास नहीं रहती, सब चलती रहती है। तो ऐसे लोगों को क्या तुम सुखी कर सकते हो? नहीं कर सकते। तो मिथ्या दृष्टि जीव क्या है? उसके जीवन में दुख आता है। दुख क्यों? इतना कुछ आने के बाद वो और दुखी है, मुझे और मिल जाए, और मिल जाए, और मिल जाए। और सम्यक दृष्टि जीव, आत्मदृष्टि के, बहुत है मुझे, बहुत है, मुझे कुछ नहीं चाहिए। कबीर, संत रैदास, महात्मा गांधी, लाल बहादुर शास्त्री के पास क्या था? वो प्राइम मिनिस्टर थे देश के, नेता महात्मा गांधी के पास एक लंगोटी और लाठी, और जो महावीर की अहिंसा का सिद्धांत उन्होंने जीवन में अपनाया था। और आज के नेता क्या कर रहे हैं? वो सुखी होना चाहते हैं और सुखी होकर के भी सुख नहीं प्राप्त होता है। तो निश्चित मानो 2 दृष्टि हैं, आत्मा वही है, आत्मदृष्टि और मिथ्या दृष्टि। आत्मदृष्टि वाले के जीव में क्या आएगा? सुख, समृद्धि और सौभाग्य। मिथ्या दृष्टि के बाद दुख, दुर्भाग्य और दृढ़ता बढ़ती चली जाएगी। और अंतिम समय जिसके पास धन बहुत है वो धन दुख देके जाता है। अंतिम अवस्था में लोग मूढ़ हो जाते हैं, चाहे साधु हो, चाहे साध्वी, चाहे श्रावक हो, श्राविका, जिन्होंने अपने जीवन में आत्म दृष्टि को नहीं अपनाया, जिन्होंने अपने जीवन में साधना नहीं की, जिन्होंने सामायिक नहीं की, जिन्होंने प्रार्थना नहीं की, जिन्होंने भगवान की वाणी पर विश्वास नहीं किया, जिनका विश्वास है धन पर, बल पर, मित्र पर, पद पर, यश पर, अंतिम अवस्था में लोग मूढ़ हो जाते हैं, कुछ नहीं कर पाते,
बिस्तर पर लेते हैं, पत्नी पास में, बेटा पास में, उठाते हैं, उठ नहीं सकते, बात नहीं कर सकते। क्यों? क्यों उन्होंने धर्म की आराधना नहीं की। तो धर्म की शुरुआत चतुर्मास के शुरू से प्रवचन चल रहा है, एक आत्मदृष्टि, सम्यक दृष्टि जीवना करे कुटुंब प्रतिपाद, अंतर्गत न्यारा रहे जो धाय खिलावे बाद। जो आत्मदृष्टि जीव है वो परिवार में रहेगा, कैसे रहेगा? परिवार का पालन पोषण भी करेगा, सब कुछ करेगा, पर कैसे रहेगा? जैसे धाय माता बच्चे का पालन पोषण करती है। तुम दुकान, हम ऐसा नहीं कहते, भगवान महावीर ने नहीं कहा तुम श्रावक हो, धन भी कमाओ। भगवान महावीर के 10 श्रावक थे, खेती करते थे। खेती करने में देखा जाए तो हिंसा होती है, 5 पृथ्वी पानी अग्नि वायु वनस्पति का एक हिंसा होती है, परंतु हिंसा होने के बावजूद उन्होंने समय आने पर अपना परिवार से अलग हो करके धर्म की आराधना की, 12 व्रत ले लिए, कुछ समय घर में रहे, अपने बड़े बेटे को सब सौंप दिया। पौषधशाला, उस समय पौषधशाला होती थी, जैसे आजकल स्थानिक हैं या मंदिर हैं, वहाँ आकर के धर्म की आराधना करते हैं, अपने पापों की आलोचना करते हैं और देव परीक्षा लेने के लिए आता है। अभी सभी 10 श्रावक कहाँ हैं वो? पता है आपको कहाँ हैं? पहले देवलोक में, सुधर्म देवलोक में है। सभी 10 के 10 श्रावक सुधर्म देवलोक में हैं और आकर के जन्म लेंगे कहाँ? महाविजय क्षेत्र में, और वहाँ से सिद्ध बुद्ध और मुक्त हो जाएंगे। बोलो, आपने ऐसा श्रावक बनना, श्राविका बनना है कि नहीं बनना है? पक्की बात है, उस रास्ते पे चलो। आज श्रावक है तो कम से कम 5 अनुव्रत लो, कम से कम, एट द लीस्ट, या 12 लो, 11 लो, 9 लो, श्रावक बनो। तुम्हारे घर संत आए तो तुम नाचो, आनंद से भर जाओ। आज मेरे घर में कोई आया, कोई भगवान का दूत आया है मेरे घर में, खुशी मनाओ और अपने हाथों से दो, और फिर आकर के यहाँ प्रवचन सुनो, ध्यान करो। अभी शिविर लग रहा है, बच्चों को भेजो, संस्कारित करो बच्चों को, इससे धर्म की शुरुआत होती है। हम आपके पास क्यों बैठे हैं? यदि हमें माता पिता के संस्कार ना मिले होते तो हम भी घर में रहते, हमारा भी यही हाल होता आपकी तरह। माता पिता अपने बच्चों को जरूर संस्कार दे, नवकार मंत्र शुरू करें, देवगुरु धर्म की शिक्षा दे, और कम से कम 1 हफ्ते में 1 टाइम का भोजन छोड़े, और वो गरीबों के लिए दो, गौशाला में दो, यहीं दो, दान करो। तो कहने का अर्थ, ये जीव दया की बात मैं कह रहा हूँ, हमें जो समझ में आता है हम बोल देते। हम चाहते हैं आप धर्म करो, और धर्म करने से पहले अपने आप को चेक करो कि आप सम्यक दृष्टि हैं या मिथ्या दृष्टि। यदि आप मिथ्या दृष्टि है तो उसमें दुख, दरिद्र, दुर्भाग्य आएगा। यदि सम्यक दृष्टि है, आत्मदृष्टि है, तो आपके जीवन में सुख, समृद्धि और सौभाग्य की अभिवृद्धि होगी। इसकी चर्चा कल फिर करेंगे। आंखें बंद, मन वचन काया शांत, शरीर शांत, विचार शांत, सृष्टि शांत, वातावरण शांत, हर दिशा हर किनारा शांत शांत शांत। सिर के सिरे से पांव के अंगूठे तक अपने भीतर शुद्ध चेतना का एहसास कीजिए। तुम आत्मा हो। आत्मा का स्वभाव ज्ञाता दृष्टा भाव, ज्ञान और दर्शन आत्मा के निज गुण हैं, विचार मन के हैं, बुद्धि उसके ऊपर छाप लगाती है। मन बुद्धि के पार तुम आत्मा हो, इसका एहसास कीजिए।
एक शरण है धर्म की और शरण नहीं को। एक शरण है धर्म की और शरण नहीं। सत्य वचन के तेज से जन जन मंगल हो। सत्य वचन के तेज से सबका मंगल, तेरा मंगल सबका मंगल। सबका भला हो, सबका मंगल हो, सबका शुभ हो। एक लंबा गहरा श्वास लें। अरिहंत परमात्मा के चरणों में अनंत कृतज्ञता ज्ञापित करें। एक और लंबा गहरा श्वास। अरिहंत परमात्मा के चरणों में नमन और वंदन। दोनों हाथों को आंखों के लिए जाएं। हल्का सा स्पर्श, धीरे से आंखें खोल सकते हैं। नमो अरिहंतानंग, नमो सिद्धानंग, नमो आयरियानंग, नमो ओवज्जायानंग, नमो लोय सब साहुनंग, धम्मो मंगल मुकिटम, अहिंसा संयमो तवो देवावितंग, नमो शांति जस धम्मे श्यामनो। श्री चत्तारी मंगलम, अरहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहु मंगलम, केवली पाणत्तो धम्मो मंगलम। चत्तारी लोग उत्तमा, अरहंता लोग उत्तमा, सिद्धा लोग उत्तमा, साहु लोग उत्तमा, केवली पाणत्तो धम्मो लोग उत्तमा। चत्तारी शरणम् अरहंते शरणम् सिद्धे शरणम् साहु शरणम् केवली पाणत्तम् चार शरण और न शरण जो भवे प्राणी उसका उसका